बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर कर रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट कहते हैं सुकून को और मोशन हरकत को। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर एक चल रहा है एक वक्त मुकर्रर तक के लिए। आप देखें कि अपने इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से बनी है। हमारी ज़मीन भी सूरज के गिर्द घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है। अब हमें साइंस ने ये बताया कि हर चीज़ हरकत में है। जो हमें साकन चीज़ें नज़र आती हैं वो भी एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं। तो असल में अहम ये है कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। और वो हरकत की सिमत कौन तय करेगा? वो बताएगा हमें अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, कि हमने सीधे रास्ते की तरफ चलना है, सच के रास्ते की तरफ चलना है। तो वो हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीरत का मुतालिया करेंगे, तो फिर ही सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। तो आज से कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। रेस्ट एंड मोशन। वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। सम ऑफ देम आर एट रेस्ट वाइल अदर्स आर इन मोशन। इनमें से कुछ जो हैं वो सुकून पुरसकून हैं और कुछ हरकत कर रही हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक जिस्म जो है उसको सुकून में कहेंगे, इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, अगर वो अपनी पोजिशन तब्दील नहीं करता। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के चीज़ों के हिसाब से अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता तो हम उसे कहते हैं वो रेस्ट में है। सराउंडिंग्स क्या हैं? सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। हमारी सराउंडिंग्स इर्द गिर्द जो है वो हमारी हमसाईगी में वो चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं। अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, एक जिस्म को हम कहेंगे वो हरकत में है या मुहर्रिक है। इफ़ इट चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, अगर वो इर्द गिर्द के चीज़ों के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील करता है। जैसे हम चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, या एक झूला जो है वो गोल चक्कर काट रहा होता है, तो वो अपनी पोजीशन तब्दील करता है अपने इर्द गिर्द के हिसाब से। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी इज़ रिलेटिव। सुकून और हरकत की हालतें एक दूसरे की नस्बत से हैं, यानी मुतलिक कोई भी नहीं है। हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ रेस्ट पे है, कौन सी मोशन पे है। इसकी मिसाल इस तरह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट। एक मुसाफिर जो है वो मूविंग बस में बैठा हुआ है तो वो पुरसकून है। बिकॉज ही शी इज़ नॉट चेंजिंग पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स, क्योंकि वो दूसरे मुसाफिरों के हिसाब से अपनी पोजिशन तब्दील नहीं कर रहा जो कि बस में मौजूद है। जैसे चेयर्स भी पड़ी हैं, या हर चीज़ एक बस के अंदर सारे लोग रेस्ट में हैं, सुकून से बैठे हैं, लेकिन बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, लेकिन एक मुशाहिदा करने वाला बस के बाहर है। द पैसेंजर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन साइड द बस आर इन मोशन, लेकिन उसके हिसाब से मुसाफर और बस के अंदर की चीज़ों जो हैं वो सारी हरकत कर रही हैं। तो इससे पता चला कि रिलेटिव है, एक बंदे के लिए वही चीज़ रेस्ट में है और दूसरा उससे कह रहा है वो हरकत में है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, हरकत की अकसाम कितनी हैं। तो तीन बड़ी अकसाम हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो सीधी लाइन में सफ़र करने को है, रोटेटरी मोशन जो है वो गोल दायरे में घूमने को है, और ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन वो आगे पीछे जैसे पेंडुलम घूमता है उसको कहते हैं। हम अगले लेसन में इनकी तफसील पढ़ेंगे। आज आपको उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा इस चैनल।